पेरिस पैरालंपिक्स 2024। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के बारे में, जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है एग्जामों में। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, साथ साथ में जो ऐसे ऐसे फैक्ट हैं उन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे जहाँ से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। तो पेरिस पैरालंपिक्स 2024 जो कि एक समर पैरालंपिक्स था, और समर के साथ साथ में विंटर पैरालंपिक्स भी होता है, तो यहाँ पे जो है यह पेरिस पैरालंपिक्स 2024 यह एक समर पैरालंपिक रहा। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, और हम लोगों को जो है क्या चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को भी देखते हुए चलना है। चलिए हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को बात करते हैं। तो यह स्टार्ट हुआ 28 अगस्त 2024 से, और इसका जो समापन हुआ वह 8 सितंबर 2024। तो ये दोनों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यह कहाँ पर खेला गया यह पेरिस पैरालंपिक 2024, तो यह फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पर यह खेला गया। यह कितना संस्करण था, एडिशन कितना नंबर था, तो ये 17वां एडिशन था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं आगे हम लोग देखते हैं चीज़ों को, यहाँ पर कितने देशों ने भाग लिया, जो टोटल जो था वह 170 कंट्री जो है वह भाग लिए यहाँ पर, और टोटल एथलीट्स की बात करते हैं तो यह 4463 यानी कि 4463 एथलीट जो है वह विभिन्न खेलों में भाग लिए, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है पेरिस पैरालंपिक का जो मोटो रहा वह कौन सा रहा, तो वह गेम्स वाइड ओपन रहा, तो यह मोटो रहा। पेरिस पैरालंपिक 2024 का जो ओपन किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा यह उद्घाटन किया गया, तो यह प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के द्वारा किया गया, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो इन्हीं के द्वारा यह खेलों का शुभारंभ किया गया। दोस्तों यहाँ पर मैस्कट की बात करते हैं, तो ये जो मैस्कट है वह ओलंपिक के तरह ही है, जो है फ्रिज करके जो एक टोपी है वह इसका मैस्कट रहा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर टोटल 22 खेलों में 549 मेडल इवेंट्स हुए, तो 549 मेडल इवेंट हुए 22 खेल में, स्पोर्ट्स में, तो यहाँ पे 549 मेडल्स के लिए यहाँ पे सारे इवेंट्स किए गए, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मेडल्स टैली के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकता है कि पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मेडल्स टैली में कि फर्स्ट नंबर में रहा चाइना, जो कि 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में टोटल 220 यानी 220 मेडल्स जीत करके यह एक नंबर पर रहा, यानी कि फर्स्ट स्थान पर रहा, 94 गोल्ड जीते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो वह ग्रेट ब्रिटेन रहा, जो कि 49 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर मेडल और 31 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में टोटल 124 मेडल जीत करके ग्रेट ब्रिटेन जो है वह सेकेंड नंबर पर रहा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। थर्ड नंबर पर जो रहा वह देश रहा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने 36 गोल्ड मेडल, 42 सिल्वर मेडल और 27 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में टोटल 105 मेडल्स जीत करके थर्ड पोजीशन पर है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वह है कि यहाँ पे जो है फर्स्ट जो रहा चाइना रहा, जो कि 94 मेडल्स के साथ में टोटल 220 मेडल्स अपने नाम किए, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना ही रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पे इंडिया भी खेलों में भाग लिया था, तो इंडिया का जो रैंकिंग कितना रहा तो वो भी देखते हैं, और कौन कौन से पदक जीते वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 18वां स्थान पर रहा इंडिया, उसमें 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में टोटल 29 मेडल जीत करके भारत जो है वह 18th पोजीशन पर रहा, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है एग्जामों में। दोस्तों टोक्यो समर पैरालंपिक 2020 में भारत 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके कुल 19 मेडल जीते थे और 24 स्थान पर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि भारत जो है वह टोक्यो का जो है समर पैरालंपिक 2020 में 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके 19 मेडल जीते थे और 24वां स्थान पर रहा था। तो यहाँ पर इस बार देख रहे हैं कि जो है यह 18वां स्थान पर रहा है, यानी कि देखा जाए तो इस बार जो है अपनी स्थिति को सुधार किया हुआ है भारत ने, और सुधार करने के साथ साथ में गोल्ड भी ज़्यादा जीते हैं और मेडल भी ज़्यादा जीते हैं, तो ये देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। तो जो यहाँ पे है जानकारी कि वो 18वां नंबर रहा भारत का, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल साथ में टोटल 29 मेडल्स जीते हैं, ये तो आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है।
अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आगे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की और संभावना है थोड़ा सा। तो इंडिया इन पेरिस पैरालंपिक 2024 में, तो इंडिया जो है पार्टिसिपेट किया था पैरालंपिक्स 2024 में, इसमें क्या क्या हुआ है उन सब चीज़ों को देखते हैं। भारत के कुल 84 एथलीटों ने 12 खेलों में भाग लिए थे, यानी कि 12 स्पोर्ट्स में टोटल जो है 84 एथलीट जो रहे भारत के, उन्होंने भाग लिया यह पेरिस पैरालंपिक 2024 में। दोस्तों अब यहाँ पे फ्रेंच जो है फ्लैग बियरर की बात करते हैं, यानी कि ध्वजवाहक की बात करते हैं, तो कौन कौन रहे थे? तो ओपनिंग सेरेमनी में जो उद्घाटन हुआ था उस समय कौन कौन ध्वजवाहक रहे, फ्लैग बियरर रहे, तो वह समित अंतिल और भाग्यश्री यादव, ये दोनों थे भारत के फ्लैग बियरर वो भी ओपनिंग सेरेमनी के दिन में। वहीं क्लोजिंग सेरेमनी की बात करते हैं तो उस दिन हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, ये दोनों थे क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक। तो ये दोनों भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप लोगों को ध्वजवाहक जो है ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी इन दोनों को ध्यान रखना ही रखना है। तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव ओपनिंग सेरेमनी में, और क्लोजिंग सेरेमनी में बात करें तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, ये रहे क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बियरर। इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा हम थोड़ी जानकारी को देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पैरालंपिक्स कहाँ पर खेला जाएगा? तो नेक्स्ट पैरालंपिक खेला जाएगा मिलानो कॉर्टिना 2026 में खेला जाएगा, और ये होगा विंटर पैरालंपिक। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगामी खेलों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आगामी खेल का आयोजन कब होगा और कहाँ होगा, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट जो पैरालंपिक होगा वो मिलानो कॉर्टिना 2026 में होगा, 2026 में होगा, और यह कहाँ होगा? तो यह इटली का जो शहर है वहीं पर होगा। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे कि इटली में यह खेला जाएगा। और दोस्तों अगर सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक की बात करें तो नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा? तो वह होगा लॉस एंजल्स जो कि यूएसए में है, तो यह खेला जाएगा 2028 में। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेला जाएगा, लेकिन पैरालंपिक खेला जाएगा मिलानो कॉर्टिना जो कि इटली में है। तो ये दोनों चीज़ों को भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मेडल विनर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पदक विजेताओं के बारे में, कि कौन कौन से जो हैं खिलाड़ी रहे जिन्होंने भारत के लिए पदक जीते और अपना जो नाम है वह गर्व से ऊंचा कर लिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी देख लेते हैं कि कौन कौन जीते हैं। तो मेडल विनर्स ऑफ इंडिया यानी भारत के पदक विजेता, पदक जीते हैं वह है अवनी लेखरा जो कि शूटिंग के खेल में इन्होंने जीता है, और ये जीते हैं गोल्ड मेडल। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो भारत का जो पहला मेडल आया था इस वर्ष वह गोल्ड मेडल आया था, तो ये आप लोग याद रखेंगे, और वो भी अवनी लेखरा के द्वारा लाया गया। तो यहाँ पर जो है इनका जो खेल है उनको भी आप लोग ध्यान रखना है कि शूटिंग में और वोमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में गोल्ड मेडल जीते। सेकंड नंबर में मोना अग्रवाल जो कि शूटिंग में ही वोमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये जो दोनों हैं इन दोनों को नामों को याद रखना है, एक ही इवेंट में इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो अवानी लेखरा और मोना अग्रवाल इन दोनों को याद रखना है, साथ साथ इनका जो स्पोर्ट क्या है, इनका जो स्पोर्ट है वह है शूटिंग, ये आप लोग याद रखेंगे। तीसरे नंबर पर आया मेडल वह प्रीति पाल के द्वारा आया, और ये वोमेंस 100 मीटर T35 एथलेटिक्स में आया है। तो ये एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, 100 मतलब वोमेंस 100 T35 खेल में आया है, और इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल आया गया। तो ये भी आप याद रखेंगे प्रीति पाल को। मनीष नरवाल जो कि इंपॉर्टेंट है, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 शूटिंग के खेल में इन्होंने सिल्वर जीता है। तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 शूटिंग में मनीष नरवाल सिल्वर जीते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। रूबीना फ्रांसिस जो है वह ओमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे ओमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 शूटिंग में। दोस्तों यहाँ पर जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से नाम दिया हुआ रहता है, और साथ साथ उनका जो स्पोर्ट क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनका किस खेल से संबंध है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो स्पोर्ट है उनको भी आप लोग याद रखेंगे, साथ साथ में इनका जो मेडल है वो तो आप लोग ध्यान रखेंगे ही, लेकिन जो गोल्ड मेडल जीते हैं उनको खास करके आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं प्रीति पाल के द्वारा एक और मेडल जीता गया, वह है वोमेंस 200 मीटर T35 एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रीति पाल यहाँ पे 100 मीटर में भी और यहाँ पे 200 मीटर में भी दोनों में ये ब्रॉन्ज मेडल जीती। तो एक ही बार में ये मतलब एक ही पैरालंपिक में इन्होंने दो बार मेडल जीता, आप लोग ध्यान रखेंगे। निषाद कुमार के बारे में देखते हैं कि मेंस हाई जंप T47 एथलेटिक्स, तो T47 एथलेटिक्स में मेंस हाई जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता निषाद कुमार। तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे, निषाद कुमार सिल्वर मेडल जीते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया जो है मेंस डिस्कस थ्रो F56 एथलेटिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ये भी आप लोग याद रखेंगे। योगेश कथुनिया जो कि मेंस डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीते हैं। नितेश कुमार, नितेश कुमार जो है मेंस सिंगल SL3 बैडमिंटन, तो इन्होंने जो है वह गोल्ड मेडल जीता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। बैडमिंटन इनका खेल है, जो नितेश कुमार जीते हैं वह है गोल्ड मेडल। थुलसमथी मुरुगेशन, तो ये आप ध्यान रखेंगे थुलसमथी मुरुगेशन ओमेन सिंगल SU5 बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के खेल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो इनका जो खेल है वह बैडमिंटन है। नाम याद रखेंगे थुलसमथी मुरुगेशन। मनीषा रामदास जो है वह ओमेन सिंगल SU5 बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के खेल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इनका जो खेल है वह बैडमिंटन है मनीषा रामदास का, ये आप लोग याद रखेंगे। सुहास यथिराज, ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे, सुहास यथिराज जिन्होंने मेन सिंगल SL4 बैडमिंटन के खेल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सुहास यथिराज और इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं, तो ये आप लोग इस प्रकार से सबको ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे जितना हो सके। राकेश कुमार और शीतल देवी, इन दोनों की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन आर्चरी, तो इन्होंने जो है आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत के लिए। तो राकेश कुमार और शीतल देवी का जो संबंध है वह आर्चरी से है, ये आप लोग याद रखेंगे, और इन्होंने मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो F64 एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये आप लोग नाम को याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सुमित अंतिल, जो कि जेवलिन थ्रो F64 एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता है। नित्या श्रेय सिवन जो है ओमेन सिंगल SH6 बैडमिंटन के खेल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए, आप लोग याद रखेंगे नित्या श्रेय सिवन का संबंध जो है वह बैडमिंटन के खेल से है। दीप्ति जीवन जी के बारे में तो यहाँ पे देखिए, तो ये है जो है ओमेन्स 400 T20 एथलेटिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये भी आप लोग नाम याद रखेंगे दीप्ति जीवन जी। शरद कुमार जो है वह मेंस हाई जंप T63 एथलेटिक्स में इन्होंने सिल्वर जीता है, तो इनका जो है संबंध वो एथलेटिक्स है, आप लोग याद रखेंगे शरद कुमार। मरियप्पन थंगावेलु जो कि मेंस हाई जंप T63 एथलेटिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे मरियप्पन थंगावेलु को, तो इन्होंने भी यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अजीत सिंह के बारे में देखेंगे कि तो मेंस जेवलिन थ्रो F46 एथलेटिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ है भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा, तो अजीत सिंह जो है उनका संबंध एथलेटिक्स से है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर जो है मेंस जेवलिन थ्रो F46 एथलेटिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सुंदर सिंह गुर्जर जो है वह एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आगे देखते हैं सचिन खिलारी जो है मेंस शॉटपुट F46 एथलेटिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो एथलेटिक्स से संबंध है इनका सचिन खिलारी का, ये आप लोग याद रखेंगे। हरविंदर सिंह मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन यानी कि आर्चरी में इन्होंने गोल्ड जीता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने गोल्ड जीता है हरविंदर सिंह, वो भी मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन आर्चरी में। धर्मवीर जो है वो मेंस क्लब थ्रो 51 एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो गोल्ड मेडल जीते हैं उनको तो कम से कम आप लोगों को याद रखना है, और साथ साथ उनका जो खेल किया है जो खेलते हैं उस खेल को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तो धर्मवीर जो है वह मेंस क्लब थ्रो 51 एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता है। प्रणव शर्मा जो है वह मेंस क्लब थ्रो 51 एथलेटिक्स में इन्होंने सिल्वर जीता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि प्रणव शर्मा जो है वह एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीते हैं। कपिल परमार जो है मेंस 60 kg J1 जूडो, तो जूडो में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जूडो में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कपिल परमार, ये नाम को तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि यह एक अलग टाइप का खेल है जूडो, जो कि ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है, तो इसी कारण से इस नाम को याद रखना है। प्रवीण कुमार की बात करते हैं तो यहाँ पे है मेंस हाई जंप T64 एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रवीण कुमार जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं मेंस हाई जंप T64 एथलेटिक्स में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं और होकातो होजे सेमा, तो ये जो है होकातो होजे सेमा
इन्होंने मेन्स शॉटपुट F57 एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे मेन्स शॉटपुट F57 एथलेटिक्स में होकर तो होजे सेमा ये नाम है, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिमरन, तो सिमरन जो है उन्होंने ओमेन्स 200 T12 एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप लोग याद रखेंगे सिमरन जो है उनका खेल एथलेटिक्स से और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओमेन्स 200 T12 में। नवदीप सिंह, मेन्स जेवलिन थ्रो F41 एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये नाम को भी आप लोग याद रखेंगे, नवदीप सिंह मेन्स जेवलिन थ्रो F41 एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखे कि अवनी लेखरा जो है वह स्टार्टिंग भी किया था गोल्ड से और भारत के द्वारा नवदीप सिंह जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं ये भी लास्ट में गोल्ड आया है, यानी कि गोल्ड और गोल्ड से ही शुरुआत और स्टार्टिंग और लास्ट भी गोल्ड से ही हुआ, तो इस कारण से आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। तो नवदीप सिंह जो है वह मेंस जेवलिन थ्रो F41 एथलेटिक्स में गोल्ड जीते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि जो जो मेडल विनर हैं भारत की ओर से वे लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं, साथ ही साथ उनका मेडल क्या क्या रहा, इन सारी चीज़ों को भी देख लिया। तो नाम के साथ में जो खेल है उनको आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मेडल विनर जो रहे वो भारत के रहे, तो सारी जानकारी को आप लोग ध्यान रखेंगे पेरिस पैरालंपिक्स में 2024 में जो भी चीज़ें हुई हैं। तो दोस्तों आप लोग एक एक करके सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे।